अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के साथ चोको लावा कपकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैंने बना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हैप्पी हैप्पी बिस्किट ले लेना, या आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। उसके बाद आपको बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होगी और 1 कप की दूध की ज़रूरत होगी आपको। तो मैंने पहले सारे बिस्किट्स को निकाल लिया और उसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लिया। उसके बाद देखिए, आपको ऐसे ही पाउडर बनाना है। उसके बाद आपको 1 कप ले लेना है, या आप मग भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून चॉकलेट पाउडर डाला है, जो बिस्किट का जो पाउडर। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर 2-3 टीस्पून आप मिल्क ऐड करके आप इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, आपको मीडियम पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से आपको सारा कर लेना है। उसके बाद आपको चॉकलेट के पीसेस रख देना है बीच में, बड़े बड़े पीसेस आप रख सकते हैं। उसके उसके बाद मैंने ओवन पहले से ही प्री हीट करके रखा था 10 मिनट्स के लिए। तो आपको माइक्रोवेव पर 2 मिनट्स तक आपको बेक कर लेना है इसे, बस फिर आपका चोको लावा कपकेक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी डिलीशियस लगता है ये खाने में। तो एक बार मेरे कहने पर आप ये चोको लावा कपकेक ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारा किस तरीके से बेक होकर तैयार हो गया। तो हमारा चोको लावा कपकेक तैयार है। तो चॉकलेट वगैरह अच्छी तरीके से पक चुका है, तो आपको मैं एक निकाल कर दिखाती हूँ केक। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं केक कितने अच्छी तरीके से पक चुका है। सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए रखा था माइक्रोवेव में और हमारा फटाक से केक बनकर तैयार हो गया है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ये इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ एक और।